अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस बुक। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस, एंड वी कवर्ड short questions, long questions, as well as important MCQs according to board and short syllabus. Now we are going to discuss chapter number 9. Students, chapter number 9 ka jo naam hai wo hai element of C. कि सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 9 की बोर्ड पेपर में अहमियत क्या है। चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में लिए जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 को हम शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे और इस पूरे चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। इस वीडियो में हम वन बाय वन कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे, इसे समझेंगे, पढ़ेंगे। आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, इसे समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा छोटी छोटी चीज़ों को ताकि आपके कंसेप्ट बन सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, डिस्कस टू टाइप ऑफ आइडेंटिफायर इन सी। आइडेंटिफायर क्या होता है और सी लैंग्वेज के अंदर जो दो तरह के आइडेंटिफायर हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आइडेंटिफायर क्या है, पहचान करने वाला, शनाख्त करने वाला। तो आइडेंटिफायर क्या है और सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर क्या होता है। देखिए, आइडेंटिफायर पहचान करने वाला हमारी रियल लाइफ के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी जगह पे आइडेंटिफायर का जो मकसद होता है वो आइडेंटिफाई करना ही होता है। देखें, हमारा जो नाम है वो भी एज अ आइडेंटिफायर है। हमारी जो पहचान है वो किससे होती है, हमारे नाम से। घरों में हम एक दूसरे को जब बुलाते हैं तो हम एक दूसरे के नाम से उन्हें बुलाते हैं। तो बेटा नाम क्या है, एज अ आइडेंटिफायर है। क्लियर है बात। इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करेंगे, कोई भी कांस्टेंट यूज़ करेंगे, कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे, उन फंक्शंस का जो नाम होता है उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। उस नाम से हम उन फंक्शंस को, कांस्टेंट को, डाटा टाइप्स को, वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा। नेम को एक प्रोग्राम के अंदर जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं उस एलिमेंट के नेम को फंक्शन कहते हैं। ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। क्लियर है। चलें अब हम इसे मज़ीद पढ़ते हैं। एन आइडेंटिफायर इज़ द नेम दैट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप, फंक्शन और लेबल इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, डाटा टाइप हो, फंक्शन हो, लेबल हो, कोई भी एलिमेंट हो जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इन दी सी लैंग्वेज एन आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक करेक्टर सच दैट एन यू एम वन, ये बनता है नंबर वन, मार्क्स, सब्ट्रैक्ट वन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा। तो ये क्या है, आपके आइडेंटिफायर है।
देर आर टू टाइप ऑफ आइडेंटिफायर इन सी, देर आर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के अंदर दो तरह के आइडेंटिफायर होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर वन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, नंबर टू यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। बेटा मैं आपको सिंपल वर्ड में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होते हैं? बेटा ऐसे आइडेंटिफायर जो सी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइन हों, जिनका पर्पस प्री डिफाइन हो, उन्हें हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लियर है? मीन जब सी लैंग्वेज बनाई गई तो उस वक़्त जो आइडेंटिफायर बनाए गए, मीन कि ये जो नेम है, ये कुछ नेम है, इनका पर्पस फिक्स है, इन्होंने प्रोग्राम के अंदर स्पेशल काम के लिए ही यूज़ होना है। तो ऐसे आइडेंटिफायर क्या होंगे? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। क्लियर? अब इसकी एग्जांपल क्या है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है बेटा? हमें पता है कि प्रिंट एफ आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अब कभी प्रिंट एफ किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? कभी भी नहीं। अब प्रिंट एफ ये जो नेम है बेटा, ये क्या है? स्टैंडर्ड नेम है, और इसे हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहेंगे। ठीक है? उसके बाद बेटा दूसरा यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं? ऐसे आइडेंटिफायर जिसे यूज़र डिफाइन करता है। अब यूज़र्स कौन है? जो प्रोग्राम लिखते हैं बेटा, हम हज़ारों यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर बना सकते हैं। मीन प्रोग्राम के अंदर जिस चीज़ की वैल्यू हमें चाहिए, हम उसके आइडेंटिफायर बना सकते हैं। ठीक है? यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर कितनी तरह के होते हैं? बहुत सारे, जो मर्ज़ी हम बना सकते हैं। सपोज़ हमने मैथ का कोई काम करना है तो पाई क्या है? पाई 3.14। अब हम इसे पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है? द नेम ऑफ डिफाइन ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ रिप्रजेंट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, दीज आर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है? एंड यूज़र डिफाइन क्या है? दे आर द नेम डैट ए प्रोग्रामर असाइन टू फंक्शन डाटा टाइप वेरिएबल इन ए प्रोग्राम। वो कौन से होते हैं? यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर होते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये बोर्ड के अंदर बहुत दफ़ा आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह ही आया। वट इज़ आइडेंटिफायर? डिस्कस टू टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? बेटा सिंपल यह है कि कीवर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है बेटा, तो उस वक्त हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बना देते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया, उन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को ही कीवर्ड्स बोलते हैं। चलें, ये एक आपके लिए सिंपल मैंने कर दिया कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को ही कीवर्ड्स बोलते हैं। अब कीवर्ड्स को मैं कह रहा हूँ, इन्हें हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। मतलब ये फिक्स वर्ड हैं, मतलब आप इन्हें अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इनका यूज़ प्रोग्राम के अंदर इनका यूज़ फिक्स है। इन्हें ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और इनका यूज़ भी क्या है? स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही है। अब हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने प्रिंट एफ आपको बताया कि प्रिंट एफ क्या है, ये एक कीवर्ड है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर भी है, कीवर्ड भी है, क्योंकि ये ख़ास पर्पज़ के लिए बने हुए हैं। प्रोग्राम के अंदर कब और किस वक्त यूज़ करने हैं, ये हमें क्लियर पता है। इसे हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ड जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उनका यूज़ प्रोग्राम के अंदर फिक्स है, प्री डिफाइन है, उन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स क्या है? दी वर्ड्स डेट आर यूज बाई सी लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। देर आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड हैव प्री डिफाइंड यूजेज एंड कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पज इन सी प्रोग्राम। देर आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड्स क्या होते हैं? लोअर केस में लिखे जाते हैं। ये MCQs आपने याद रखना है। देर आर 32 वर्ड्स डिफाइंड एज कीवर्ड इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स हैं, मीन जिनका पर्पस सी लैंग्वेज के अंदर, जिनका यूज़ सी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइन है। फॉलोइंग इज़ आर कम्प्लीट लिस्ट। बेटा ये आपकी लिस्ट है, ये आपने याद कर लेनी है। जैसे ऑटो है, ब्रेक है, केस है, करेक्टर है, कॉन्स्टेंट है, कंटिन्यूस है, तो ये आपके कीवर्ड हैं। जैसे आपको समझाने के लिए इंट क्या है? इंटीजर। इंटीजर्स के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो इंट है। ठीक है? और इसी तरह हमारे पास इफ़ है, और करैक्टर्स के लिए जो है वो CHAR है, और
अवॉइड है, वाइल है, डू है, मतलब ये जो वर्ड हैं इन्हें हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इनका पर्पस सी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइन है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ वेरिएबल, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। बेटा वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने और वेरिएबल को डिफाइन करने में क्या फ़र्क है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। बेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल। इट्स वैल्यू कैन बी अ न्यूमेरिक और अ नॉन न्यूमेरिक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आइडेंटिफायर कॉल्ड वेरिएबल नेम। द वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट एंड डिजिट्स। बेटा वेरिएबल्स क्या हैं? आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है। इंशाल्लाह आगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करेंगे जिसमें हम वेरिएबल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल नेम, वेरिएबल कंटेंट और वेरिएबल एड्रेस क्या होता है। बेटा वेरिएबल नेम से मुराद क्या है, कंटेंट क्या है और वेरिएबल एड्रेस क्या है। बेटा सिंपल सी चीज़ है, वेरिएबल नेम क्या होता है, वेरिएबल नेम एज अ आइडेंटिफायर मीन हम कोई भी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो उसे किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत होती है। सपोज हम कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 10। अब बेटा ए इज इक्वल टू 10, प्रोग्राम के अंदर हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 10 क्या है, एक वैल्यू, ये किसके अंदर स्टोर हो रही है, ए के अंदर, और ए क्या है आपका, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल नेम, वेरिएबल कंटेंट एंड वेरिएबल एड्रेस, ठीक है। बेटा वेरिएबल नेम क्या होता है, आइडेंटिफायर है। वेरिएबल नेम क्या होता है, आइडेंटिफायर, जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। अब ये 10 की जो वैल्यू है ये किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर। अब ए क्या हुआ, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। वेरिएबल कंटेंट क्या हुआ, बेटा ये जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो वेरिएबल कंटेंट कहलाता है, और वेरिएबल एड्रेस क्या है, ये मेमोरी के अंदर किस जगह पे स्टोर है ये वेरिएबल, मीन प्रोग्राम के अंदर जब भी मैं ए यूज़ करूँगा तो ये क्या है, मतलब ए को यूज़ करने से मुराद क्या है, मैं इस वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है बेटा, आपका वेरिएबल एड्रेस है, मीन मेमोरी के अंदर आपका वेरिएबल किस जगह पे स्टोर है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल एड्रेस बोलते हैं। व्हेन ए वेरिएबल इज़ क्रिएटेड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, सम बाइट्स इन ए कंप्यूटर मेमोरी आर एलोकेटेड टू इट, दीज बाइट आर यूज टू स्टोर द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल। द रिलेशनशिप बिटवीन द नेम कंटेंट एंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज शोन फिगर्स। बेटा ये चेक करें आप, वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफायर डेट इज असाइन टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए कंप्यूटर मेमोरी। वेरिएबल कंटेंट क्या है, रेफर टू द वैल्यू स्टोर इन अ मेमोरी लोकेशंस एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। वेरिएबल एड्रेस क्या है, रेफर टू द एड्रेस ऑफ मेमोरी असाइन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल्स को जो मेमोरी असाइन की जाती है वो वेरिएबल का एड्रेस है। अब यहाँ पे एग्जांपल है बेटा, ये देखें, वेरिएबल नेम है var, ठीक है, var से मुराद वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल का नेम है var और इसकी वैल्यू क्या है, 313, और ये स्टोर किस जगह पे है, ये देखें, ये आपकी स्टोरेज है, मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन के अंदर ये स्टोर किस जगह पे है। अब ये एक वेरिएबल है,
इसका नाम क्या है VAR और इसकी वैल्यू क्या है, कंटेंट क्या है 313, और स्टोर किस जगह पे है 0009, इस एड्रेस पे ये स्टोर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको बेटा कि वेरिएबल नेम क्या है। वेरिएबल नेम इज़ आइडेंटिफायर डेट इज़ यूज इन ए प्रोग्राम, एंड वेरिएबल कंटेंट क्या है, द वैल्यू डेट इज़ स्टोर इन अ वेरिएबल नेम इज़ कॉल्ड वेरिएबल कंटेंट। और बेटा वेरिएबल एड्रेस क्या है, एड्रेस इज़ अ मेमोरी लोकेशन इन विच वेरिएबल इज़ स्टोर। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज़ मीन बाय डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। बोर्ड के अंदर ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल से मुराद क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद क्या है। ठीक है बेटा, सिंपल ये है कि एक वेरिएबल को उसकी टाइप बताना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। ठीक है, एक वेरिएबल को उसकी टाइप बताना ये वेरिएबल डिक्लेरेशन बता कहलाता है। सपोज बेटा, मैंने लास्ट आपको बताया कि ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को इसकी टाइप बताना, मतलब इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ये क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। सपोज ये वेरिएबल ए है, अब मुझे नहीं पता कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 10.1 है वो भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्योंकि पता ही नहीं है कि ये इस वेरिएबल की टाइप क्या है, तो बेटा प्रोग्राम के अंदर जब भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हमें टाइप बताना ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब सपोज़ एक वेरिएबल है, पहले मैं इसकी क्या बताऊँगा, टाइप। सपोज़ टाइप क्या है, मैं कहता हूँ इंटीजर टाइप, इंट। अब बेटा क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, मीन एक वेरिएबल को उसकी टाइप बताना ये क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप होगी। ठीक है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर, मीन फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर नहीं होगी, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। क्लियर है बेटा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज़ और कवर करता हूँ, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है व्हाट इज़ मीन बाय डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ मीन बाय इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से मुराद क्या है। बेटा वेरिएबल को उसकी टाइप बताना ये किस टाइप का है, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है, और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना ये इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, इनिशियलाइजेशन। अब ये दोनों स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्रोग्राम के अंदर, दोनों स्टेप्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये मैंने आपको बता दिया है कि टाइप डिक्लेयर क्यों किया जाता है, वेरिएबल को क्यों डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये डिक्लेरेशन से पता चलेगा। और वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है तो ये हमें इनिशियलाइजेशन से पता चलता है। ओके बेटा, चलें अब हम इसे पढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल्स क्या होता है, स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल एंड द डेटा टाइप इट कैन होल्ड इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल्स। ऑल वेरिएबल्स डेट आर यूज इन अ प्रोग्राम आर डिक्लेयर यूजिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर a certain number of byte in a memory are located to a variable name, amount of memory is allocated according to data type of a variable, this memory is store value assigned to the variable. The syntax of declaring a variable in C is a beta data type list of a variable. Data type kya hai, yahan pe int suppose aap likh dete ho, aage list of variable se murad kya hai, a variable hai, फिर कोमा के साथ आप बी वेरिएबल, मीन एक लिस्ट पूरी आप लिख सकते हैं वेरिएबल्स की।
ठीक है, इस तरह भी हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब डाटा टाइप क्या है, स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल मीन फ्लोट टाइप का है, इंट टाइप का है, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल में आप कोमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। ये देखें कोमा के साथ सेपरेट किया हुआ है वेरिएबल्स को। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ गिव एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ऑफ आर डिफरेंट डाटा टाइप। अब आपको मजीद में व्हाट इज़ मीन बाय इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है। मैंने अभी आपको क्लियर बताया कि एक वेरिएबल्स को उसकी वैल्यू साइन करना, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें इंट ए इज इक्वल टू 110, बी इज इक्वल टू 60C। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन ए वेरिएबल इज़ डिक्लेयर ए मेमोरी लोकेशन इज असाइन टू इट, ए वैल्यू कैन आल्सो बी असाइन टू इट एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। असाइनिंग ए नाउन वैल्यू टू ए वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ इट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू डिक्लेयर ए वैल्यू वेरिएबल्स, टू डिक्लेयर ए वेरिएबल ए बी एंड सी ऑफ इंटीजर टाइप एंड असाइन वैल्यू ए इज इक्वल टू 110, बी इज इक्वल टू, एंड दिस स्टेटमेंट रिटन एज ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइज, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, एंड दिस प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके बेटा, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इनिशियलाइज वेरिएबल, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपको मैं क्लियर करने लगा हूँ। बेटा जब एक वेरिएबल असाइन किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये इंट ए, ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर। जब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो बेटा प्रोग्राम के अंदर तीन चीज़ें ये वैल्यू वेरिएबल जो है, ये तीन चीज़ें इसकी मलकियत बन जाती हैं। नंबर वन वेरिएबल का नेम, नंबर टू वेरिएबल्स का कंटेंट जो इसकी वैल्यू है, और नंबर थ्री एड्रेस मेमोरी लोकेशंस। बेटा जब एक वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो ये मेमोरी के अंदर इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर की जाती है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की जाती है जिसे हम गारबेज बोलते हैं। मीन ये खुद ब खुद इसे वैल्यू असाइन की जाती है, हम इसे असाइन नहीं करते। तो बेटा जब हम प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे तो उसकी ऑटो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब जब प्रोग्राम के अंदर हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो बेटा इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है, क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगी वो इसी वैल्यू के मुताबिक आएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसी के साथ हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब उसे एक फिक्स वैल्यू देते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट आए वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आए। क्लियर है बेटा, इसे हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, व्हेन ए वेरिएबल इज़ डिक्लेयर सम बाइट इन दी मेमरी, कंप्यूटर मेमरी आर आल्सो असाइन टू इट, दिस मेमरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा। ठीक है, जब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उसे कोई ना कोई मेमरी लोकेशन असाइन की जाती है। अब इस मेमरी लोकेशन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है जो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी। दिस डाटा इज यूजलेस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड गारबेज। When a memory is assigned to a variable, the data contained in these bytes is also assigned to variable. These are chance that this data is used in the program. Because of using this undefined data, the computer program may produce unexpected result. ठीक है बेटा, क्लियर है एक चीज़ कि मतलब जब हम वैल्यू वेरिएबल साइन करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से मुराद क्या है कि ये आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई मेमोरी ले रहा है। अब कंप्यूटर में जो मेमोरी है, हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू पहले से मौजूद हो। अब ये वैल्यू किसे असाइन हो जाएगी,
इस वैल्यू को हम अनडिफाइंड वैल्यू बोल रहे हैं, इसे हम वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, अनडिफाइंड डाटा बोल रहे हैं। अब जो आपका आंसर आएगा वो इस वैल्यू के मुताबिक आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि वैल्यू वेरिएबल्स को हम एक डिफाइन वैल्यू देते हैं, ठीक है, हम एक क्या करते हैं डिफाइन, ताकि हमारा आंसर ठीक आ सके। चलें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के मुताबिक हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है बेटा, इस प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग सिंपल प्रोग्राम, थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड जी, तीन वेरिएबल यूज़ किए गए हैं एक्स वाई एंड जी, और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, और द वेरिएबल हैव बीन इनिशियलाइज बाय असाइन जीरो टू ईच देम, मीन वेरिएबल जो हैं इनकी वैल्यू क्या है, जीरो है। पहले हम ये देखते हैं कि एक जो वेरिएबल है एक्स वाई जी, इसे हमने इनिशियलाइज नहीं करना, मीन हम पढ़ रहे हैं वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इनिशियलाइज वेरिएबल, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं पता होता तो इंशाल्लाह आज ये कवर हो जाएगा कि वेरिएबल को वैल्यू को वेरिएबल की वेरिएबल को क्यों इनिशियलाइज क्यों किया जाता है, ठीक है, ये हम चीज़ कवर कर रहे हैं। तो बेटा ये देखें, एक प्रोग्राम है, इसे हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, एक्स वाई जी थ्री वेरिएबल्स हैं, इन्हें हमने इंट टाइप के वेरिएबल हैं, ये डिक्लेयर कर दिए। अब हमने इसमें कोई भी नहीं यूज़ करना, इसे हमने इनिशियलाइज नहीं किया, मीन कोई वैल्यू नहीं थी। अब जब हम इन्हें प्रिंट करेंगे, प्रिंट एक्स प्रिंट वाई एंड प्रिंट जी, तो बेटा आंसर क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस समथिंग, वाई इज इक्वल टू दिस एंड जेड इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड है, मीन हमने तो कोई अभी इनिशियलाइज ही नहीं किया हुआ है। देखिए ना, मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, तो लेकिन हमने इस प्रोग्राम में इनिशियलाइज किया ही नहीं है वेरिएबल्स को, एक्स की कोई वैल्यू है, वाई की कोई वैल्यू दी है, जेड को दी है, कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो फिर ये जवाब किस तरह आया। तो बेटा ये क्या हुआ, अनडिफाइंड डाटा है, ठीक है। अगर वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज़ नहीं करोगे तो वेरिएबल कंप्यूटर जो है वो वेरिएबल्स को खुद ही वैल्यू कोई ना कोई दे देगा, जिससे हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम आउटपुट शो अनडिफाइंड गार्बेज डाटा इन द वेरिएबल्स, नाउ दीज वेरिएबल हैव बीन इनिशियलाइज़, अब हम इन्हें इनिशियलाइज़ करते हैं। ये इनकी हेडर फाइल्स, जो लास्ट चैप्टर में हमने मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्राम कंटेन थ्री पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंटेन हेडर फाइल्स, एंड सेकंड इज़ अ मेन फंक्शन, एंड थर्ड इज़ अ सी प्रोग्राम, ठीक है। एंड दिस इज़ बेटा नाउ ये देखें, ये जो वेरिएबल्स हैं ये देखें, ऊपर हमने वेरिएबल्स इंट एक्स वाई जी ये क्या कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनिशियलाइज़ नहीं किया, वेरिएबल डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजिंग। नाउ बेटा क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर विद इनिशियलाइज्ड, मतलब इन्हें कोई ना कोई वैल्यू दे दी है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। अब जब हम इन्हें प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, टेन इक्वल टू जीरो, जो कि बिल्कुल क्या है, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की जीरो है, जी की जीरो है। तो ये बेटा ये अहमियत बता रहा है कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज क्यों किया जाता है, ठीक है। अब ये देखें बेटा, प्रैक्टिकल ये किया हुआ है एक्सप्लेन, ये देखें हमारा डेव सी है, जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को टाइप करते हैं। ये बेटा है आपका, ये इसे हम बोलते हैं हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड सी प्रोग्राम, ये मेन फंक्शन, और यहाँ पे इंट डेटा टाइप है एक्स वाई एंड जी के, और जब आप प्रिंट एफ करते हो एक्स को वाई को जी को, बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि ये क्या है आपका, ये विदाउट इनिशियलाइजिंग है, मीन हमने इनिशियलाइज नहीं किया। तो अब जब इसका आंसर देखेंगे, आउटपुट निकालेंगे, तो ये देखिए आउटपुट इसकी क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 17 मीन सम वैल्यू, वाई इज इक्वल टू 8286 एंड जी इज इक्वल टू 195। तो बेटा ये क्या है आपका, बिल्कुल गलत है, मीन देखिए मैंने तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी, वाई को वैल्यू नहीं दी, जी को कोई वैल्यू ही नहीं दी, इनिशियलाइज ही नहीं किया, ये खुद ब खुद क्या कर रहा है, एक्स को वैल्यू दे रहा है, बी को वैल्यू दे रहा है, जी को वैल्यू दे रहा है।
लेकिन ये गलत है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये देखें नेक्स्ट एग्जांपल्स, ये देखें बेटा x इज इक्वल टू एक्स वाई एंड z एंड x y एंड z इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम जब इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं बेटा। ये देखें बेटा x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो, z इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे वही इसका जवाब आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, सपोज x इसकी जगह पे मैं 2 लिख देता हूँ कि मीन x, y, z तीन वेरिएबल हैं और ये क्या है, इंट टाइप के वेरिएबल हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इन्हें हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं 2 के साथ, मीन x की वैल्यू भी 2 है, y की भी 2, z की भी 2। अब प्रिंट करते हैं तो जवाब क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये देखें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तब भी पॉसिबल होगा जब हम एक वेरिएबल्स को, ये x क्या वेरिएबल, इसे हम प्रॉपर इनिशियलाइज भी करें। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, ये आपके एमफिल लेवल का जो लेवल तक मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि मीन असल वेरिएबल्स को डिक्लेयर क्यों किया जाता है और वेरिएबल को इनिशियलाइज क्यों किया जाता है। बेटा उम्मीद है आप ये सुनेंगे वीडियो, आपको कंप्लीट इसके कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है, राइट डाउन दी रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी। मीन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को नेम देने के रूल्स कौन कौन से हैं। मीन सी लैंग्वेज के अंदर मैंने एक वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, यूज़र डिफाइन वेरिएबल्स, तो क्या कोई रूल्स हैं जिनकी बेस पे हम वेरिएबल्स का नाम रख सकते हैं। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन तो ये डेफिनेटली आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। अगर चैप्टर नंबर 9 में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये वाला वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़े वाला ये क्वेश्चन है। तो वेरिएबल्स को नेम देने के कवानीन वो हम पढ़ने लगे हैं। ए वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। बेटा फर्स्ट रूल है, आपका जो वेरिएबल होगा उसके अंदर लेटर हो सकते हैं। लेटर से मुराद अल्फ़ाबेट ए बी सी, अपर लेटर्स, अपर केस और लोअर केस, ठीक है। डिजिट्स 1, 2, 3 एंड अंडरस्कोर। इन तीन चीज़ों के अलावा आपका वेरिएबल में कोई चीज़ नहीं हो सकती, मीन कोई सिंबल नहीं आ सकते। सेकंड रूल है, द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम में बी अल्फाबेटिक करेक्टर आर एन अंडरस्कोर। बेटा फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा है कि आपके वेरिएबल में तीन चीज़ें होंगी, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, बस। सेकंड रूल में हमने पढ़ा है कि आपका जो वेरिएबल होगा उसका जो स्टार्ट होगा वो बेटा अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर, मतलब डिजिट आ ही नहीं सकते। मतलब आपके वेरिएबल में, वेरिएबल के शुरू में पहला जो डिजिट होगा वो बेटा अल्फ़ाबेट होगा और अंडरस्कोर हो सकता है। नंबर थ्री रूल, द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी डिजिट। डेफिनेटली जब ऊपर उसने कह दिया कि पहला करेक्टर अल्फ़ाबेट होगा और अंडरस्कोर हो सकता है तो डिजिट हो ही नहीं सकता। ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, स्पेस नहीं आ सकती, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं है और कोई भी करेक्टर इसमें नहीं आ सकता। नंबर सिक्स, रिजर्व वर्ड आर की वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल, मीन प्रिंट एफ वगैरह, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, इंट, फ्लोट, ये जितने भी रिज़र्व कीवर्ड्स थे उन्हें हम वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इज़ 31 करेक्टर, मीन आपका जो वेरिएबल है वो 31 करेक्टर तक बड़ा हो सकता है। अगर 31 करेक्टर से ज़्यादा करेक्टर्स होंगे तो कंपाइलर उसे इग्नोर करेगा, ठीक है।
मीन उसे रीड नहीं करेगा, मीन 31 पहले 31 करेक्टर्स को रीड कर लेगा, उसे वो वेरिएबल का नेम कंसिडर करेगा, बाकी जो लफज होंगे 31 से ज़्यादा करेक्टर उन्हें वो पढ़ेगा ही नहीं। ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर फॉर वन डाटा टाइप कैन नॉट बी यूज टू डिक्लेयर अनदर डाटा टाइप इन द सेम प्रोग्राम। ये एक चीज़ याद रखनी है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल जो हमने डाटा टाइप असाइन कर दी, उस वेरिएबल को कोई दूसरी डाटा टाइप असाइन नहीं कर सकते। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बेटा ये आपको पता है ऑलरेडी कि सी में अपर केस जो होते हैं वो अलग कंसिडर किए जाते हैं, लोअर केस अलग कंसिडर किए जाते हैं। मसलन ये देखें PAY, पी कैपिटल ए वाई स्मॉल है तो ये एक वेरिएबल है, जबकि PAY दोनों का मतलब मीनिंग क्या है सेम है, लेकिन इसमें क्या है PAY ये स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं। अब ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अहमद क्या एक वेरिएबल है, वैलिड है। किस तरह वैलिड है, हमने पढ़ा कि वेरिएबल नेम के अंदर क्या होंगे आपके, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है अल्फ़ाबेट हैं, और जो पहला है आपका वेरिएबल का लफ्ज़ करेक्टर वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये रूल्स को फॉलो कर रहा है, ओके वैलिड है। परफॉर्म ये भी क्या है, एक सेंटेंस है पूरा आपका, अल्फ़ाबेट भी इसके अंदर हैं और पहला लफ्ज़ जो है वो आपका अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो ये भी वैलिड है। अब डबल ये इनवैलिड क्यों है, क्या रीज़न है। बेटा डबल कीवर्ड है, हमने पढ़ा हुआ है डबल जो है कीवर्ड्स और डेटा टाइप के तौर पे यूज़ किए जाते हैं डेक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग। इंट है ना, इंट की जो आगे टाइप है इंट है, और शॉर्ट इंट है, डबल इंट है। अब इंट को यूज़ कर सकते हैं, इंट यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो एक कीवर्ड है, तो डबल भी क्या है कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सी क्या है, रिज़र्व वर्ड है, कीवर्ड्स को हम रिज़र्व वर्ड भी बोलते हैं, मैंने पीछे बताया आपको। आगे बेटा फॉक्स प्रो ये वैलिड है, स्विच ये इनवैलिड है क्योंकि ये भी कीवर्ड है, लार्ज ये वैलिड है, ठीक है। आगे कुछ और प्रैक्टिस है, फ्लोट क्या है, ये वैलिड है, फ्लोट यूज़ किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि फ्लोट भी एक कीवर्ड है, बेटा फ्लोट स्मॉल के अंदर FLOAT फ्लोट इज़ अ लोअर केस, ये कीवर्ड है आपका, ये कीवर्ड नहीं है। मरियम इंट इनवैलिड है। ये थ्री TAQ ये क्या है, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड, क्या रीज़न है। बेटा हमने पढ़ा कि वेरिएबल का जो स्टार्ट होगा या तो वो अंडरस्कोर से हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट से, न्यूमेरिक से नहीं हो सकता, इसलिए ये इनवैलिड है, ठीक है, स्टार्ट विद न्यूमेरिक। उसके अलावा अब एक्स और डैश वाई ये क्या है, ये भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, एक बंदा पूछे, भाई हमने बताया कि वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर आ सकती है, लेकिन इसमें अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अब ये क्या है, ये डैश नहीं आ सकती, एक ही सिंबल आता है वेरिएबल में, याद रखना वो अंडरस्कोर है बस, इसके अलावा कोई भी सिंबल जिसमें आ जाए वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल करैक्टर इज़ नॉट अलाउड, ये डैश क्या होती है, स्पेशल करैक्टर है, ठीक है, प्लस माइनस ज़रब ये सारे स्पेशल करैक्टर ही हैं। आगे TAQ स्पेस AHD बेटा ये भी क्या है, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड, हमने पढ़ा है कि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आ सकती, तो इसमें स्पेस है, ठीक है। तो बेटा ये आपका वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नोन फॉर वेरिएबल्स, जस्ट सिंपल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बेटा नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं। अब आपके शॉर्ट स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्स्टेंट इन सी, सी के अंदर कॉन्स्टेंट की डिफरेंट टाइप क्या होती हैं। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट क्या होता है। कॉन्स्टेंट आर द वैल्यूज डैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं जिनकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल्स क्या थे, वेरिएबल्स आर द वैल्यूज डैट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में चेंज होती है, ठीक है, ये इसमें फ़र्क होता है। ए क्वान्टिटी डैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। देर आर फोर टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट, इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, करेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं,
ए न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट ए डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड इंटीजर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 100 सारे ये क्या है, इंटीजर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। द माइनस साइन इज यूज टू इंडिकेट ए नेगेटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट एंड प्लस साइन इज यूज टू इंटीजर कॉन्स्टेंट पॉजिटिव एंड इट इज़ अ ऑप्शनल, ठीक है बेटा। इंटीजर कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, ये कहें 100 कोई भी है तो वो आपका कॉन्स्टेंट है। द फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट क्या होता है, द न्यूमेरिक वैल्यू डेट हैव एन इंटीजर एज वेल एज डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट, मीन ऐसी वैल्यू जिसके अंदर इंटीजर भी हो और फ्लोटिंग पॉइंट भी हो वो फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट कहलाता है। द फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर रिटन विद डबल कोट्स आर डबल कोट्स के अंदर एफ या फिर स्मॉल एफ से या कैपिटल एफ से इसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है करैक्टर कॉन्स्टेंट, ए सिंगल करैक्टर इनक्लोज इन अ सिंगल कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड करैक्टर कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ए सिंगल कोटेशन के अंदर है बेटा, ये आपके क्या हैं करैक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं। अब आपको क्लियर होगा होगा कि कॉन्स्टेंट का किस तरह आपको पता चलता है, अगर तो कॉन्स्टेंट जो हैं सिंगल कोट्स के अंदर हैं तो वो आपके क्या हैं करैक्टर कॉन्स्टेंट, और जो भी वैल्यू सिंगल कॉन्स्टेंट के अंदर होगी सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर होगी वो आपकी करैक्टर कॉन्स्टेंट कहलाती है। वैसे इसी तरह स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कौन सी है, जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर होगी वो आपकी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कहलाती है, ठीक है। ए सीक्वेंस ऑफ करैक्टर कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट डिजिट्स स्पेशल करैक्टर इनक्लोज इन अ डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ होंगी इन्हें हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ बोलते हैं और ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो ये क्लियर है कॉन्स्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और वेरिएबल्स क्या है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। ए क्वान्टिटी हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और वेरिएबल्स क्या है क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है बेटा। डिफरेंस बिटवीन करैक्टर कॉन्स्टेंट एंड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में क्या फ़र्क है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करैक्टर कॉन्स्टेंट ये वाला कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था करैक्टर कॉन्स्टेंट और न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो बेटा करैक्टर कॉन्स्टेंट सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर होगा जबकि न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट विदाउट कोटेशन मार्क ये लिखा जाता है, ठीक है। ये देखेंगे ज़रा, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, और ये देखें नंबर जैसे 9 एंड फ्लोटिंग पॉइंट आपका हो सकता है ये 9.87, ये 3.16, ये क्या है आपके न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट है। जबकि करैक्टर कॉन्स्टेंट का हमें कैसे पता चलेगा, अब एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ, ये देखें ये क्या है, ये कौन सा कॉन्स्टेंट है, ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। और करैक्टर कॉन्स्टेंट अगर इसी 9 को मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिख दूं तो बेटा ये आपका क्या बन जाता है, करैक्टर कॉन्स्टेंट बन जाएगा। अब आपको चीज़ क्लियर होगी है, तो सिंगल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ होगी इसे हम करैक्टर कॉन्स्टेंट बोलेंगे, और अगर इसी वैल्यू को मैं डबल कोटेशंस के अंदर लिख दूँ डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट अब बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़, चलें उम्मीद है बच्चा आपको समझ आ गया होगा। आगे डेटा टाइप क्या होती है, ये चीज़ तो हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे एक वेरिएबल है, प्रोग्राम के अंदर जब भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसे हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने से मुराद इस वेरिएबल की टाइप बताते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंट लिखते हैं तो इंट क्या है, इंटीजर, इसका मतलब क्या है ये वेरिएबल इस इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, ठीक है, और इसके मुताबिक हम इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह मीन डिक्लेरेशन क्या प्रोसेस होता है, डिक्लेरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी डिक्लेयर द टाइप डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो अब डाटा टाइप क्या है बेटा, सिंपल डेटा का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, डेटा जो भी आपका है, वैसे डेटा की डेफिनेशन तो जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स है, लेकिन कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, बट डेटा यहाँ मैं ले रहा हूँ कोई भी आपकी वैल्यूज़, ठीक है। अब टाइप क्या है,
टाइप मुराद किस किस्म का है, मीन आपका डाटा किस तरह का है, क्लियर है? आपकी डाटा की टाइप क्या है? ये देखे ना, हमारा जो डाटा है ये डाटा, इस डाटा की टाइप क्या है, ये डाटा किस टाइप का, इंटीजर इन टाइप का डाटा ना, तो ये डाटा टाइप बताता है, ठीक है? द डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा स्टोर ऑन मेमोरी लोकेशन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन डैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डाटा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सी लैंग्वेज हैज़ फोर बेसिक डाटा टाइप विच आर प्री डिफाइंड एंड कैन बी यूज एनी वेयर इन अ प्रोग्राम, एंड दीज इंक्लूड इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, क्लियर है बेटा? डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैंडर्ड एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये भी आपको पता चल गया होगा। स्टैंडर्ड डाटा टाइप डाटा टाइप डैट इज आर डैट इज प्री डिफाइंड इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप, एंड अदर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आर द टाइप्स or that are defined by users. The data type that have been defined as a part of language are preferred to as a standard data type. और जिस तरह int, double, character, ये सारी क्या हैं, हमारी standard data type हैं। User defined कौन सी हैं, जो user define करता है, ठीक है? List of the various data type in C के अंदर, अब देखें integer किसके लिए होता है, int के लिए, float, floating point के लिए, पॉइंटिंग वैल्यू के लिए, डबल लार्ज रियल वैल्यू, मतलब इंट क्या है ये भी हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? इंट की क्या होती है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू से लेके नेगेटिव वैल्यू तक ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, मीन जे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है? इधर क्या होगा, मिनिमम लिखते हैं हम, मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर हो सकती है इंट के अंदर, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है? और इसी तरह बेटा, जब इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, है वो इंटीजर टाइप ही, तो किस में स्टोर होगी, वो डबल के अंदर होगी, ठीक है? इसी तरह करैक्टर क्या है, करैक्टर्स वैल्यू को स्टोर करता है। तो बेटा आपको ये समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अब मैं आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। बेटा डिस्क्राइब इंटीजर डाटा टाइप, अब इंटीजर डाटा टाइप भी जो मैंने अभी बताई है, जो इंटीजर है उसके अंदर भी क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है। अगर उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ या कम वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर वो इंटीजर में स्टोर नहीं होगी, तो उसके लिए भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं डाटा टाइप्स, वो पढ़ते हैं अभी। एंड इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नंबर विदाउट अ फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, इट मे हैव द पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, 601, 250, 250, -6, 501 आर इंटीजर, कोई भी वैल्यू वो इंटीजर है, डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ये चीज़ याद रखनी है। देर आर फोर टाइप ऑफ इंटीजर, इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइन इंट, ठीक है? अब इंट क्या है, इंट के अंदर बेटा the range of value of int data type depend upon the computer system being used and it take 2 or 4 bytes, mean integer जो आपका होता है वो कितनी values को store कर सकता है, 2 bytes को या 4 bytes को, ठीक है? मतलब 2 bytes से मुराद बाइट क्या होता है आपका, जो आपका बाइट होता है बेटा वो 8 bit के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 8 bit के बराबर, 8 bit इज इक्वल टू 2 byte, ठीक है? सॉरी, बाइट के बराबर होता है, एट बिट इज इक्वल टू 2 byte, और आपका 2 byte से मुराद क्या है कि 16 bit, कितने बिट हो गए, 16 bit, ठीक है? और 2 bytes, एंड इंटीजर टाइप वेरिएबल टेक 2 bytes इन द मेमोरी एंड रेंज फ्रॉम, बेटा आप मैक्सिमम वैल्यू जो इंटीजर के अंदर स्टोर हो सकती है वो 3 to 7, 6, 7 ये हो सकती है, ठीक है? और मिनिमम वैल्यू क्या है ये हो सकती है।
अब इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती और इससे कम वैल्यू इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, ये चीज़ आपने बेटा याद रखनी है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, 2^15 टू माइनस 2^15 ये, और ये क्या है, 2^15 माइनस 1, ठीक है, इसके बराबर है ये। और आगे क्या है, आपका शॉर्ट इंट है, ठीक है। अब शॉर्ट इंट में क्या होता है बेटा, द शॉर्ट इंट डेटा टाइप टेक 2 byte इन मेमोरी, इट कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू 2^15 टू 2^ बेटा इंट और शॉर्ट इंट में कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप इंट लिखें या शॉर्ट इंट लिखें ये सेम है बेटा, लॉन्ग इंट में फ़र्क है। देखिए लॉन्ग इंट क्या है, 4 byte इसमें स्टोर हो सकते हैं, 4 byte से मुराद आपके कितने बन गए, 32 bit, ठीक है, 32 bit तक ये वैल्यू क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। और अब ये देख लें ये कितनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को, ठीक है। देखें जो इंटीजर है आपका वो आपकी 32,767 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो लॉन्ग इंट है वो आप चेक करें कितनी वैल्यूज़ को, मीन अगर इससे बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो डेफिनेटली वो लॉन्ग इंट में स्टोर होगी। बेटा अब अनसाइन इंट से क्या मुराद होता है, अनसाइन इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव होल नंबर, मीन अनसाइन इंट क्योंकि हमने कोई वैल्यू इसे असाइन नहीं की तो सी क्या करता है, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है, नेगेटिव वैल्यू वो स्टोर ही नहीं करता। इट टेक 2 byte इन मेमरी, इट कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 0 to 65535, ठीक है, 65535 वैल्यूज़ को ये क्या करता है, स्टोर करता है। अब ये टेबल है, इसमें ये कंप्लीट ऊपर वाली चीज़ को डिस्कस किया है, आपने ये टेबल याद कर लेना है कि इंट के अंदर 2 byte इतनी वैल्यू स्टोर होती है, शॉर्ट के अंदर इतनी होती है, ठीक है। अब रियल टाइम फ्लोटिंग पॉइंट, रियल टाइम को क्या बोलते हैं, फ्लोट भी बोलते हैं, बेटा एक चीज़ याद रखनी, इस फ्लोट में और इस फ्लोट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये कीवर्ड है, ठीक है, और ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंसिस्ट ऑफ इंटीजर एंड नॉन इंटीजर पार्ट्स, देर आर आल्सो कॉल्ड रियल नंबर, द डाटा कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड फ्लोटिंग डाटा टाइप, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। बेटा एक चीज़ याद रखनी, अगर तो हमारे पास इंटीजर टाइप की डाटा टाइप है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगी तो वो किसके अंदर स्टोर होगी, आपकी लॉन्ग इंट के अंदर। लॉन्ग किस लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्ग आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, लॉन्ग आपका इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है, आपको कोई चीज़ इंशाल्लाह बाकी कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगी। इंटीजर लॉन्ग कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू, जबकि डबल आपका जो डबल है वो कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, वो रियल टाइम वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। ठीक है, ये फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करता है। तो इसी तरह ये आपने याद रखना है, ये MCQs है बहुत इम्पोर्टेंट कि लॉन्ग क्या आपका ये इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि फ्लोट डबल ये फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, ये याद रखना आपने। जस्ट फ़र्क वही है कि फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग जो आपका फ्लोट आपकी डाटा टाइप है, ये इसके अंदर 4 byte डाटा स्टोर किया जाता है, जबकि हमारे पास डबल है इसके अंदर 8 byte डाटा स्टोर किया जाता है, और लॉन्ग डबल के अंदर आपका डाटा वो कितने
10 बाइट स्टोर किया जाता है। ये आपने याद कर लिया, ये टेबल आपने याद कर लेना। तो ये इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ है, ठीक है। ये यहाँ तक आपका, ये आपको अब क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल और इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, कि ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है, ठीक है। तो बेटा हमने अभी एक चीज़ पढ़ी है, हर वेरिएबल्स के अंदर, हर डाटा टाइप के अंदर एक आपकी मिनिमम वैल्यू होती है और एक आपकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। मिनिमम और दूसरी कौन सी, मैक्सिमम मीन आपका एक टाइप का जो वेरिएबल है उसकी लिमिट होती है कि उसके अंदर मिनिमम की कौन सी कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है और मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो जाती है। क्लियर है बच्चों? अभी मैंने ऊपर भी ये आपको सारा एक्सप्लेन किया है। तो बेटा ओवरफ्लो क्या होता है, जब एक वेरिएबल के अंदर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो बेटा उस वक्त जो एरर आता है या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो बोलते हैं। और जब हम एक वैल्यू, एक वेरिएबल की मिनिमम लिमिट से कम वैल्यू उसमें स्टोर करते हैं तो बेटा उस वक्त जो एरर आता है या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो बोलते हैं। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ईच ऑफ द न्यूमेरिक वेरिएबल हैज़ अ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, एनी वैल्यू बिटवीन दीज लिमिट कैन बी साइन टू इट, व्हेन ए वैल्यू डेट एक्सीड द लिमिट टू असाइन ए वेरिएबल देन एरर आते हैं, ठीक है। व्हेन द वैल्यू असाइन इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू देन इट इज कॉल्ड ओवरफ्लो, एंड द वैल्यू व्हेन द वैल्यू इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू इट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। ओके बेटा, तो ये आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। डिस्क्राइब इंटीजर ओवरफ्लो और इंटीजर अंडरफ्लो क्या है। बेटा जब इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है इंटीजर के अंदर, आपको पता ही है, ये देखें इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर हो सकती है, ये 32,767 वैल्यू स्टोर हो सकती है और मिनिमम 32,768 वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है मिनिमम। अब अगर हम 32,768 इसमें स्टोर करेंगे किसके अंदर, इंट के अंदर, तो ये एरर आएगा, इसे क्या बोलते हैं, इंटीजर ओवरफ्लो। अगर हम इससे कम वैल्यू स्टोर करेंगे, ये क्या है, ओवरफ्लो, क्या आपका ये ओवरफ्लो, और अगर इससे कम वैल्यू स्टोर करेंगे मीन -32,769, ठीक है, सोन, और ये कौन सा एरर आएगा, अंडरफ्लो, कौन सा आएगा, ये क्या आएगा, अंडरफ्लो आपका आएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑपरेटर इन सी है, कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन से ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं। बेटा बहुत मज़े वाला क्वेश्चन है, सारा चैप्टर ही मज़े वाला है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेटा ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल आर आइडेंटिफायर डैट रिप्रेजेंट सम एक्शन डैट इज़ परफॉर्म ऑन द डाटा, मीन डाटा के ऊपर जो एक्शंस परफॉर्म करने के लिए सिंबल यूज़ किए जाते हैं इन्हें ऑपरेटर बोलते हैं। अब ये जिस तरह पता है आपको प्लस का सिंबल किस लिए है, प्लस इज एन ऑपरेटर, यह ये ऑपरेटर है, ठीक है। दो वैल्यूज़ है, ए है और बी है, इन डेटास के ऊपर अब हमने कौन सा एक्शन लेना है, तो ये कौन एक्सप्लेन करता है, ऑपरेटर बताता है, मीन अब ये प्लस क्या है, आपका ऑपरेटर है, ठीक है। इट परफॉर्म एडिशन ऑपरेटर ऑन डाटा आइटम्स विच आर रिटन ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है। सी हैज़ वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर, सी के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स,
बेटा ये तीन तरह के आपके सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, जितने भी आपके अरिथमेटिक फंक्शंस हैं बेटा ये सारे शॉर्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखने हैं आपने। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, माइनस एडिशन के लिए प्लस का, सब्ट्रैक्शंस के लिए माइनस का, और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिविजन्स के लिए, रिमाइंडर्स के लिए। तो ये आपके क्या बेटा अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें आप, ये सारे आप फार्मूलाज इन फॉलोइंग आर फार्मूला सी लैंग्वेज एक्सप्रेशन, ये सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स की मदद से। अब ऑपरेटर ना हो तो ये फार्मूला नहीं बनते, ऑपरेटर्स ना हो तो ये एक्सप्रेशंस नहीं बनते, ठीक है। अब बेटा आपकी नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। अभी हमने क्या पढ़ा है, आपके एडिशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब हमने पढ़ना है रिलेशनल ऑपरेटर। बेटा रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, रिलेशंस बताते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब इज़ इक्वल क्या है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो दो वेरिएबल्स को बताता है कि ए और बी आर इक्वल्स, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है बराबर है। अब ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। अब रिलेशनल ऑपरेटर कितनी तरह के होते हैं, लेस देन, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, एंड डबल इज़ इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखें कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए क्या ग्रेटर देन बी इज़ ट्रू इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी इज़ ट्रू इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू बी, ए डबल इज इक्वल टू बी इज़ ट्रू इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक एग्जांपल है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20 एंड जी इज इक्वल टू 5, देन फाइंड आउट द आउटपुट। इसकी आउटपुट क्या है, ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, तो ये गलत है, ठीक है। बी क्या है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, 10 आपका क्या 20 से बड़ा हो सकता है, तो ये क्या है बेटा फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह आपका जो 20 है, क्या 20 छोटा है जी से, जी क्या है 5, तो क्या 5 से छोटा है 20, तो ये भी क्या है फॉल्स है, ठीक है। वो कह रहा है y इज इक्वल नॉट टू x, तो ये ट्रू है। y क्या है, वाई आपका 20 है, 20 क्या इज नॉट इक्वल टू किसके, एक्स के, 10 के, तो ये ठीक है, ये कंडीशन ठीक है, ठीक है। इस तरह आपने बाकी सारे देख लेने। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बाइनरी ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। ये एक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, एक्सप्लेन करने लगा हूँ इस चीज़ को, यूनरी ऑपरेटर्स को। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर डैट ऑपरेट ऑन टू डाटा एटम्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लीकेशन इन ए बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज इट्स ऑपरेट टू वैल्यू एंड मल्टीप्ली वन वैल्यू विद एन अदर्स, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से, ऐसे ऑपरेटर जो दो वैल्यूज़ पर परफॉर्म किए जाएँ वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, ए और बी, इनके ऊपर जो ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा वो क्या है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। ऐसा ऑपरेटर जो दो वैल्यूज़ के ऊपर यूज़ किया जाए। द ऑपरेटर डैट ओनली नीड वन डाटा एटम टू ऑपरेट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। द यूनरी माइनस ऑपरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी माइनस ऑपरेटर्स। अब ये देखे बेटा, अब हमारे पास यूनरी माइनस ऑपरेटर इज़ यूज टू रिवर्स द साइन ऑफ अ वैल्यू, इट मेक ए पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, ठीक है। देखें इंट ए और बी, ए की वैल्यू क्या आपकी
आपकी 87 है। अब b इज इक्वल टू क्या होगा, अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या करता है, a की वैल्यूज को क्या कर देता है, उलट कर देता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू 67 है, b की वैल्यू क्या माइनस a, मीन a इज इक्वल टू 87 और b इक्वल टू माइनस 87, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो एक वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू, ठीक है। लेकिन बाइनरी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जो दो वैल्यूज पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लॉजिकल ऑपरेटर। हमने दो तरह के ऑपरेटर पढ़ लिए हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और दूसरे के हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू मेक कंपाउंड कंडीशंस, द कंडीशंस इन विच टू आर मोर रिलेशनल ऑपरेटर आर कंपेयर इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशंस, ठीक है। बेटा ऐसे ऑपरेटर्स जिनके अंदर हम कम्प्लेक्स कंडीशंस लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके एंड गेट है, आर गेट है, मीन्स जिसमें ज़्यादा कंडीशंस यूज़ किए जाएँ, ठीक है, जिसमें टू रिलेशनल एक्सप्रेशन आर कंपेयर्स, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये क्या है, दो क्या आपके पास, दो आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बनाते हैं। हम पढ़ते हैं मज़ीद ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कितनी तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हैं, तीन तरह के, बेसिक तीन तरह के हैं, बहुत ज़्यादा हैं, एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर कब यूज़ किया जाता है, आर कब किया जाता है, नॉट कब यूज़ किया जाता है। एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है वो डबल है, इस तरह लिखते हैं, और आर ऑपरेटर को वर्टिकल्स लाइन से और नॉट ऑपरेटर को ये एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब आर ऑपरेटर्स क्या किस तरह काम करता है, मतलब ये कब काम करता है, ठीक है, ये हम इसे एक्सप्लेन करने लगे। द आर ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन, if one of the given relational expression is true the output is true, otherwise the output is false। मतलब r operator क्या कहता है कि अगर दोनों input में से एक input भी true होगी तो answer true आएगा, otherwise answer false आएगा। अब इसका symbols क्या है, मतलब ये, अब इसे हम एक truth table की मदद से मैं explain करने लगा हूँ, वो आपको मैं explain कर देता हूँ, ठीक है, truth table की मदद से। अब ये देखें मेरे पास एक वेरिएबल है, उसके अलावा एक वेरिएबल बी है, ठीक है, और अगर मैंने इन दोनों के दौरान आर ऑपरेटर यूज़ करना है तो इसका मतलब क्या है, ए डबल सिंबल्स और बी, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। अब इसकी कोई इनपुट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 0011, और b की वैल्यू कोई ले लेते हैं 1010, ठीक है। अब a r b ऑपरेटर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये कहता है कि r ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों इनपुट में से एक इनपुट भी 1 हुई तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब 0 b की वैल्यू 1 है, दोनों में से एक 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1, दोनों 0 तो 0, दोनों 1 1, अगर दोनों में से एक भी 1 तो फिर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इस तरह ये काम करता है, जबकि इसके उलट जो हमारा ए और एंड ऑपरेटर था, जो बी, अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये क्या करता है कि दोनों इनपुट्स का 1 होना ज़रूरी है, तो ये जब दोनों 1 होंगे तो 1 होगा, बाकी कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस ट्रुथ टेबल से इन दोनों ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यूज़ को उलट कर देता है। अब ए जो है
इज इक्वल टू, अगर इसके नॉट ऑपरेटर हम यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, नॉट ऑपरेटर्स। अब ये क्या कर देगा, द नॉट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, इट इनवर्स द वैल्यू रिटर्न बाय द एक्सप्रेशन। मीन अगर ए की वैल्यू 10 है तो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, -10। ये आपने याद रखना है बस। फॉर एग्जांपल इफ 5 = x = 5, y = 10, देन द लॉजिकल एक्सप्रेशन a > 5 रिटर्न ट्रू। ठीक है, मतलब ये किसी भी जवाब को उलट कर देता है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज़ को उलट कर देता है। तो बेटा ये आपने ऑपरेटर्स अभी डिस्कस किया। सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट है। क्या आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंपल ये है बेटा, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इज इक्वल का साइन आ जाए वो आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है बेटा, इसे मजीद मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम देखते हैं ना, ए इज इक्वल टू 10। अब इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इज इक्वल। अब ये कर क्या रहा है, एक वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, तो एक वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। दो तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, एक इज इक्वल और दूसरा लेट ऑपरेटर होता है। ठीक है, और लेट आपका क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसे यूज़ करते हैं और नहीं भी कर सकते। द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इज इक्वल है। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन इज यूज टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड्स ए वैल्यू टू ए फ्रॉम ए वैल्यू विदाउट द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ स्टेटमेंट आर ऑपरेटर्स। अब बेटा ये आपकी एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 10, ये आपकी एक इक्वेशन है। अब द अबव स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसे किस तरह लिख सकते हैं कि जो सिमिलर चीज़ है बेटा उसे हम ख़त्म कर देंगे और इस जो सिंबल है जो ऑपरेटर है उसे इज इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई और ये प्लस क्या आ जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ, और इस जगह पे 10 लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब मज़ीद इसकी भी जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे ये देखें एक्स एक्स प्लस 9, तो ये कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस एंड इज इक्वल टू 9, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको अब पता होना चाहिए, ये सिंपल है। और तो बेटा कमेंट्स क्या होते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स का मतलब किसी भी अपनी राय, कमेंट्स का मतलब क्या होता है, अपनी किसी चीज़ के बारे में अपनी राय देना। ठीक है, तो बेटा सी लैंग्वेज के अंदर भी आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोग्रामर होते हैं वो सी लैंग्वेज में कमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम को आसान बनाया जा सके। प्रोग्राम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स यूज़ करते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा पार्ट होता है जिसका प्रोग्राम के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होता। मीन कंपाइलर कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता। अब कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि क्या ये एक स्टेटमेंट है या कमेंट्स है, तो उसके लिए बेटा कि आपका जो कमेंट्स होता है वो फॉरवर्ड स्लैश और मल्टीप्लिकेशन साइन, और यहाँ आपकी स्टेटमेंट, यहाँ आपकी स्टेटमेंट, यहाँ आपकी स्टेटमेंट, और लास्ट पे आप क्या करते हो, इसे स्टॉप कर देते हो। ठीक है,
तो ये आपका क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि ये आपका कमेंट्स है। कमेंट्स दो तरह से लिखे जा सकते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश और इसे अंदर मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, और एक डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। द कमेंट स्टेटमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू ऐड रिमार्क्स आर कमेंट इन अ प्रोग्राम। द कमेंट आर यूजली टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये स्लैश स्टेरिक के साथ इसे किया जाता है। जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, अब ये क्या आपका कमेंट्स है, कैसे पता चला, क्योंकि ये सिंबल इससे स्टार्ट हो रहा है, उससे एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कमेंट्स था बेटा। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, डिस्कस टू टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, ये हमने पढ़ ली है। व्हाट इज़ वेरिएबल, डिस्क्राइब वेरिएबल नेमिंग रूल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और आगे हाउ मैनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, सी में कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन सी, जो हमने तीन तरह के सी में ऑपरेटर्स पढ़े हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर। टाइप कास्टिंग क्या होता है, और डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर इन अ सी। ठीक है, डाटा टाइप कौन सी, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल, ये सारी हमने पढ़ी है। ठीक है, आगे आपने बेटा ये सॉल्व एक्सरसाइज है, ये चेक कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, इसका हमने आज ओवरव्यू किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने समझी हैं। आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को बार बार सुनना है, कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछने हैं। इंशाल्लाह आपके हर कमेंट्स का, आपके हर क्वेश्चंस का आपको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। कोविड सिचुएशंस को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप स्टूडेंट्स ने घरों में रहना है और अब एहतियात करना है और इन वीडियोस को देखना है, ताकि एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प कर सकें। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।